नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। द्वारका के अंदर जड़ से मकान, द्वारका सेक्टर्स के अंदर जड़ से मकान मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत कम ऑप्शंस आते हैं और बने बनाए तो बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। बट आज जो प्रेजेंटेशन हम आपके लिए लेके आए हैं, इट्स अ प्रॉपर द्वारका सेक्टर का जड़ से मकान, जिसकी छत से ये वाला व्यू हमें मिलता है। वैसे तो हमारी सोसाइटी का ही पार्क है, इस पार्क को इस बिल्डिंग में रहने वाले, इस सोसाइटी में रहने वाले एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसको प्रीमियम मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ ये लोकेशन बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपको पार्क मिल जाता है, गेटेड लोकेलिटी है, गार्डेड लोकेलिटी है। अगर आप पहले भी द्वारका के अंदर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे और आप कुछ ऐसा विचार बना रहे थे कि कोई जड़ से मकान मिल जाए इंस्टेड ऑफ अ फ्लैट, देन आप इस वाली प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आप रहने के साथ में बहुत अच्छी रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर आपको टोटल 4 फ्लोर्स मिलते हैं, फ्लोर 1, 2, 3, 4। ये सारे फ्लोर्स से ऑन एन एवरेज आप 25,000 रुपये तक का रेंटल फेच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लिफ्ट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस पूरी बिल्डिंग में लिफ्ट है, तो आप सारे फ्लोर से पर फ्लोर 25,000 के आसपास का रेंटल निकाल सकते हैं। फुली फर्निश करके अगर आप पर फ्लोर को रेंट आउट करते हैं तो आप 30,000 तक का रेंटल भी फेच कर सकते हैं। इसके अलावा ये DDA अप्रूव्ड है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाता है। अब आपकी चॉइस है, आप 4 करोड़ में एक बहुत प्रीमियम लग्जरी CGHS फ्लैट ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सिर्फ रहने को मिलेगा। ये बिल्डिंग एक तरह से कमाई की मशीन बन सकती है अगर आप इसको प्योर इन्वेस्टमेंट तौर पर लेते हैं, और इवन इसकी EMI को आप इसके रेंटल इनकम के साथ में ऑटो पायलट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा ये बिल्डिंग कैसी मिलती है। अभी इस बिल्डिंग के अंदर कुछ बहुत काम बाकी है, बट जब भी आप लेंगे तो आपको संपूर्ण काम के साथ में ये प्रॉपर्टी मिलेगी। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है और फ्यूचर में इसको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलेगा बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट्स जो हमारे आसपास हो रही हैं। आइए दिखाते हैं आपको पर फ्लोर लेआउट कैसा दिखता है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता चुका हूँ। ग्राउंड पे पार्किंग है, उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th पे 2BHK बने हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे बिल्डिंग के आसपास का एरिया है, इसे आप देख लीजिए। ये पार्क है राइट हैंड साइड में, बाकी यहाँ पे गाड़ियों की जो ओपन पार्किंग है वो भी आराम से लगाई जा सकती है। तो पार्किंग को लेकर कभी वैसे भी दिक्कत नहीं आनी, आप सीधा यहाँ पे गाड़ी लगाइए, जब मन करा लेकर निकल जाइए। तो सिर्फ बिल्डिंग के नीचे ही नहीं, आसपास भी काफ़ी सारा इनफ स्पेस है। बाकी जो जेंट्री है वो बढ़िया है, यहाँ पे सारा का सारा आपको बड़े साइज़ में 2BHK, बड़े साइज़ में 3BHK, बहुत बड़े साइज़ में 3BHK और 4BHK ऑप्शंस मिल जाते हैं। और फिर सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज भी अच्छी है ये लोकेलिटी। और यहाँ से अगर हम देखते हैं हमारा एग्ज़िट पॉइंट, तो वहाँ पे भी गार्ड मिलेगा आपको और एंट्री पे भी आपको गार्ड मिल जाएगा। ये पूरी हमारी पार्किंग है जिसके अंदर गाड़ियों की पार्किंग लगेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पार्किंग मिल जाती है। फिर ये है स्टेयरकेस और लिफ्ट वाला एरिया जहाँ से हम अपना फ्लोर एक्सेस कर सकते हैं सारे के सारे। तो आइए लेके चलते हैं ऊपर, आपको पहले फ्लोर प्लान दिखाते हैं। पार्किंग हमने देख ली है, अब देखते हैं फ्लैट का जो पर फ्लैट लेआउट है, हर फ्लोर पर जो 2BHK है वो कैसा दिखेगा, उसमें कितना स्पेस होगा। चलिए, सो ये है इंडिपेंडेंट फ्लोर प्लान। स्टेयरकेस, यहाँ पे लिफ्ट आ जाएगी, लिफ्ट लग के मिलेगी आपको, और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको हर फ्लोर पे 2BHK फ्लैट का लेआउट मिलता है। इसमें लेआउट कैसा होता है वो आपको बता देते हैं। ये हमारा लिविंग हॉल होता है, सामने गेस्ट वॉशरूम होता है, एक बेडरूम और किचन फ्रंट में हो जाएगा, एक बालकनी, और पीछे की ओर एक बेडरूम और अटैच वॉशरूम हो जाता है। ये इसका लेआउट होता है। बाकी हाँ, थोड़ा सा लाइटिंग कम है, बट लेआउट एज इट इज़ ही रहेगा और आपको ये सारी की सारी बिल्डिंग रेडी होके मिलेगी। तो बता देते हैं आपको ज़रा साइज़ क्या रहेंगे। सबसे पहले लिविंग हॉल से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये आपको मिल जाता है 14 फीट, और ऐसे आपको ये मिल जाएगा पूरा 10 फीट। तो ये 14x10 का इसमें आपको लिविंग हॉल मिलता है।
फिर आते हैं किचन पोर्शन पे। किचन भी अच्छी साइज़ की है इसके अंदर, जो साइज़ ऐसे मिलता है हमें ये लगभग 9 फीट के आसपास है, और ऐसे आप इसको देखते हैं तो ये हमारा 8 फीट के आसपास है। ये 9x8 का किचन है, इसमें भी पूरा काम आपको होके मिलेगा। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए सिंपल लेआउट है, और यहाँ से जैसे पीछे जाते हैं तो ये थोड़ा अंधेरा इसमें ज़रूर है, ये देख लीजिए 5x6 या 5x7 के आसपास का वॉशरूम है। इधर आ जाएंगे तो ये है बड़ा सा रूम, इसमें ऐसे जो साइज़ आता है वो आता है लगभग 12 के आसपास, और ऐसे जो आपको ये साइज़ मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट के आसपास आपको ऐसे मिल रहा है। तो ये रूम नंबर 1 है। यहाँ से आप थोड़ा सा बाहर की ओर आते हैं तो ये हमारा इसके अंदर बालकनी होता है, यहाँ पर रेलिंग एंड ऑल आ जाती है, और यही वाली जो विंडो है वो कनेक्टेड होती है हमारी किचन से। अभी लास्ट वाला जो रूम है उसके अंदर लाइटिंग थोड़ी कम है, तो मैं आपको साइज़ नंबर्स में बता पाऊँगा, बाकी जब आप विज़िट पे आएंगे तो आप खुली आंखों से अच्छे से चीज़ों को देखकर समझकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत मुश्किल से, बहुत लिमिटेड पूरी जड़ से प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मुझे पता है यहाँ अंधेरा होगा बट मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई है ऐसे ये 14 फीट है, और इसकी जो चौड़ाई है ऐसे वो 10 फीट है, तो ये 14x10 का रूम नंबर 2 है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा वॉशरूम है। एक वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट यहाँ पे भी मिल जाती है हमें, और यहाँ से ये वाला जो वॉशरूम है इसका साइज़ बैठता है 7 फीट बाय 7 फीट, जिसमें से ये शाफ्ट वाला पोर्शन निकल जाएगा। तो ये इसका लेआउट है। नीचे आपने पार्किंग देख ली, आइए छत दिखा देता हूँ। अगर आप इसको भविष्य में कभी टॉप फ्लोर के साथ में फ्लोर वाइज सेल आउट करते हैं तो छत हमें कैसी मिलेगी। सो फ्लोर्स का लेआउट आप देख चुके हैं, अब आ जाते हैं छत पे। छत मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे ये जो छत होती है, अगर आप इसे भविष्य में कभी फ्यूचर में पर फ्लोर वाइज सेल आउट करते हैं तो जो छत के साथ वाले फ्लोर्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव बिकते हैं, बाकी जो नीचे के 3 फ्लोर्स होते हैं वो थोड़े से छत के मुकाबले कम प्राइस में बिकते हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी को रिटेन करके कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इसे पर फ्लोर भी एनी टाइम सेल ऑफ कर सकते हैं, ये वाला पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर बनती है। बाकी जो रेंटल इनकम है वो बहुत बढ़िया है ही है, मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया जड़ से मकान वाला अपॉर्चुनिटी है। आप इसको लीजिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लीजिए, पर्सनल यूज़ के तौर पे लीजिए, एक फ्लोर पे खुद रहिए, 3 रेंट आउट कर दीजिए, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ जैसा भी आप इसके साथ करना चाहें। गवर्नमेंट बैंक से लोनेबल ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है कुछ समय के लिए। ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, ये रहे नंबर जिस पे कॉल करके आप इसे बुक कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुक कीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।